लेक्चर नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके घर परिवार में ऐसा देखने सुनने को मिला हो कि व्यक्ति को बीपी हो गया है, बीपी हाई है, बीपी लो है, ऐसा। ये ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब है, हाई ब्लड प्रेशर, इसको HbP शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो देखिए इसको, ये कब होता है, उच्च रक्तदाब होने की कंडीशन क्या है। अगर किसी को बीपी हाई है तो आप उनको ज्ञान दे सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में तनाव लेने को उच्च रक्तदाब अथवा हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बस व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप समझ जाएं कि व्यक्ति के अंदर जो है, व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव की मात्रा अत्यधिक हो गई है। समझ में आया? तो व्यक्ति को आप समझाएं कि तनाव ना ले, नहीं तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि आपके ब्लड के बॉल्ब को फाड़ के रख देगा और आपको निकल आपको निपटा देगा, आपका स्वाहा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अत्यधिक मात्रा में तनाव लेने को उच्च रक्तदाब कहते हैं। अब देख, इसकी अधिक मात्रा के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं। धमनियों को डायग्राम में दिखाऊंगा, डायग्राम में कहाँ होती हैं, जिससे रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह का मतलब खून का आवागमन, प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, उसके मार्ग में अवरोध हो जाता है। तो खून जब अच्छे से जाएगा नहीं है कि फिर बहुत तेज जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ना प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी खून का रफ्तार और तेज सोने लगता है, जिससे धमनी फट सकती है। अगर अत्यधिक तनाव लेंगे धमनी फट जाएगी, और जब धमनियां फट जाएंगी तो आप भी निकल लेंगे, ठीक है ना। तथा आंतरिक रक्त स्त्रवण हो सकता है, और अंदर ही अंदर शरीर में धमनियां फटने से आंतरिक रक्त स्त्रवण यानी रक्त पूरे शरीर में फैल सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हम में समझे कि हाई ब्लड प्रेशर होने का मुख्य रीजन है तनाव लेना, अत्यधिक मात्रा में तनाव लेना, ठीक ना। तो चिंता ना करें, तनाव न लें, बल्कि चिंतन करें, ठीक ना। चलिए अब इसमें भी थोड़ी सी टिप्पणी देखें, जो एग्जाम में आपके आ सकता है कि जो उच्च रक्तदाब या दाब है, किसको इसको किससे मापते हैं। तो स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा या स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। इसको आप पढ़ तो रहे हैं, आप पढ़ें प्लस अपने फैमिली मेंबर्स को इसको दिखाएं, या कि अपने से ही पढ़ने के बाद बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के परिवेश में बहुत लोग तनाव ले रहे हैं और यही होने वाला है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो दवाई सबसे बड़ी क्या है इसकी, तनाव लेने की सबसे बड़ी दवाई यह है कि आप तनाव लें ही नहीं, मतलब उच्च रक्तदाब की दवाई है कि तनाव लेना बंद करें, बस, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब इसको थोड़े डायग्राम में देख लें आप, ठीक है ना। तो ये याद है, कंडीशन वही है कि रक्तदाब का मिनिमम क्या होना चाहिए रेंज, तो 120 से 80, ठीक है ना। ये धमनियां हैं, देखो जब नॉर्मल चलेगा रक्त तो इस प्रकार की धमनियां रहेंगी, अदरवाइज कंडीशन चेंज भी हो सकती है। ये देखो, रबर कफ वाल्व फूल जाएगा, अगर रक्तदाब बढ़ा तो ये धमनियां सिकुड़ जाएंगी, जब सिकुड़ जाएंगी तो खून के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि आपकी धमनी जो है तो फट जाए। अब फटने के कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये कंडीशन है तब की, जब स्फैग्मोमीटर से मापक, ये जो है ना वही स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र है जिससे रक्तदाब को मापा जाता है, ठीक है। ये बॉल्व है, इस बॉल्व से हम प्रेशर देते हैं तो धमनियों में जो खून का प्रवाह बंद हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, तभी कंडीशन बनती है। तो 120 ऊपर जाएगा, फिर जब हम धीरे 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 छोड़ते जाएंगे तो नीचे की कंडीशन बनेगी, नहीं उसको हम फिर मेजर करते हैं कि कितना है। तो स्टेथोस्कोप से हम ध्वनि को सुनते हैं, और जब बहुत ही मिनिमम हो जाएगा ब्लड प्रेशर, कहा जाए कि लो हो जाएगा, तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो कम्प्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।